हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। फटाफट देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, क्या क्या करंट अफेयर्स हैं हमारे पास, पार्ट वाइज देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो इस मंथ में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे हमारा अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर अपनी कोई क्वेरी करने के लिए। इसके अलावा हमारी ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। जो लोग भी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये एनरोल्ड फॉर्मेट में है, और जो बाहर के जो लोग हैं जो क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल्ड नहीं है, दे कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इफ यू वांट। तो हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स देखेंगे इकोनॉमिक्स रिलेटेड, और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है सबसे पहले उसमें से है टैक्सेशन रिलेटेड कुछ ऑर्डिनेंस ले आया गया है। तो देखिए यहां पर आपको बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है ऑर्डिनेंस का, जो कि पॉलिटी में आती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या कि ऑर्डिनेंस कब और क्यों लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स में जब आप देखेंगे तो चूंकि इस समय लॉकडाउन का फेज हो रखा है, और लॉकडाउन के फेज में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाहर लोग नहीं जा सकते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स अपना फाइल नहीं कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर पा रही हैं, तो इसके लिए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है कि भाई देखिए ऐसा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा का सारा कुछ एक्सटेंड कर रहा हूं। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स, लास्ट डेट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट सच एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ हो गया, इन सब चीजों में जो कुछ भी इंस्टॉलमेंट देनी थी आपको, तो कुछ भी आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठिए आराम करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी अकाउंट चल रहा है, जो भी फंड चल रहा है, वो सारा का सारा चलता रहेगा। इसके अलावा पैन कार्ड और लिंक आधार कार्ड में जो लिंक करना है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, उसमें भी आपको इशू लेने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। बाकी एक और चीज कर दिया गया है, जो एक और पीएम केयर फंड बनाया गया है जिसको कि हम लोगों ने अपने लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में ही कवर कर रखा है, उसमें सरकार ने बोला है कि देखिए दिस विल बी 100% डिडक्शन हो जाएगी, यहां पर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% यहां पर रिलीफ रहेगा। आगे के करंट अफेयर्स में देखें तो आगे हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है समथिंग रिलेटेड विद दिस अगेन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ से रिलेटेड। क्या है देखिए यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे यहां पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में आप लोगों ने काफी कुछ समझ के रखा होगा। तो देखिए फिलहाल अभी आरबीआई ने गवर्नमेंट को बोला है कि देखिए जितना भी आप ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया या पीपीएफ हो गया या किसान विकास पत्र हो गया या सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, इन सब में जो आपने इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट अनाउंस कर रखा है, उसके कारण से हमारे बैंक में लोग पैसा जमा ही नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है इस तरीके के सर्टिफिकेट और इस तरीके की सेविंग स्कीम में लगा दे रहे हैं। तो बैंकों में जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो लिक्विडिटी नहीं आएगी, लिक्विडिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमी का जो ये साइकिल होता है वो साइकिल रन नहीं कर पाएगा। इसलिए आरबीआई ने बोला है गवर्नमेंट को कि आप 75 बेसिस पॉइंट से आप अपना जो भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हो उसको कट कर लीजिए। सरकार ने भी अकॉर्डिंगली आरबीआई की बात मान करके अपने इकोनॉमिक्स के जो भी एक्सटर्नल एजेंट सेंट्रल बैंक होती है उसको, उसकी बात को मान करके सरकार ने इन सारे स्कीम के जो इंटरेस्ट होते हैं उसको कट कर लिए हैं। तो एक तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स। थोड़ी सी इसकी अगर डिटेलिंग में जाए तो देखिए दीज आर द स्कीम्स विच आर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट होता है इसलिए इसके कारण से बहुत ज्यादा ये अट्रैक्टिव होती है। नंबर टू, इन स्कीम की जो भी इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो क्वार्टरली चेंज की जा रही होती है, और यही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या पीपीएफ है या सुकन्या समृद्धि है या फिर किसान विकास पत्र है, इसके जो रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं। आगे करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा वेज एंड मींस एडवांसेस पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% श्योरिटी के साथ में इस बार एग्जामिनेशन में आ जाने की संभावना है। ठीक है, संभावना है, यूपीएससी को कोई नहीं जान सकता है। चलिए खैर जोक सपाट, यहां पर देखिए वेज एंड मींस एडवांसेस के बारे में आप लोग एक चीज समझ लीजिए, जैसे सरकार के पास जब पैसा खत्म हो जाता है या फिर कह लीजिए कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है अगर वो रुक जा रही होती है तो सरकार क्या करती है, इस तरीके की चीजों के वेज एंड मींस एडवांसेस निकाल दे रही होती है। ये जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल टाइप के ही होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी टाइप के ही होते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी टाइप के ही होते हैं, बस
यहां पर अंतर ये होता है कि ये जो वेज एंड मीन्स या फिर एक तरीके की ट्रेजरी बिल होती है जिसके बदले सरकार आरबीआई से पैसा मांग रही होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेजरी बिल हो गया या किसी प्रकार की बॉन्ड होती है तो सरकार गवर्नमेंट अपने पब्लिक से या फिर बैंक से उस चीज को ले रही होती है, बैंक से पैसा एक तरीके से उधार ले रही होती है, लेकिन वेज एंड मीन्स के सहारे आरबीआई पैसा जो होता है वो दे रही होती है। यहां पर केस ये है कि आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है कि 90 डेज के लिए ही होता है ये, और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है वो लगती है रेपो रेट के बराबर ही लग रही होती है। लेकिन अगर ये 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओवर ड्राफ्ट में। तो ओवर ड्राफ्ट का मतलब यही होता है कि आपकी ड्राफ्ट पे एक पेनाल्टी अमाउंट लग जाती है, मतलब कि रेपो रेट का 2% और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लग जा रहा होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई हैज रेज द लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जहां पर स्टेट वाले जो जितने भी स्टेट है उन लोगों ने बोला कि देखिए हमारी आपकी तो कैपेसिटी, आप इधर उधर जगह से सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पैसा उठा ले रही होती है, रेस कर ले रही होती है, लेकिन स्टेट वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो स्टेट वालों ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही सरकार से बोला था कि देखिए हमारी जो लिमिट है वेज एंड मींस की उसको 60% से इंक्रीज कर दीजिए। सरकार ने उस चीज को मानते हुए 60% से इंक्रीज कर दिया है, जिससे कि काफी ज्यादा लिक्विडिटी स्टेट के अंदर में आने की संभावना पूरी आ जाती है। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी यहां पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है वो डिसाइड किया जाता है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोगों के मिलकर के, दोनों लोग मिलकर के निर्धारित कर रहे होते हैं। पहला फैक्ट हो गया। दूसरी फैक्ट आपको ध्यान रखनी है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। ये दो फैक्ट और तीसरी फैक्ट आपकी 3 मंथ वाली, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्लस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यही वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन रेज किए जा रहे होते हैं। एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका द श्यामला गोपीनाथ पैनल। श्यामला गोपीनाथ पैनल ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि देखिए जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है वो बताई गई है कि जो भी मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट है उनसे किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो श्यामला गोपीनाथ पैनल कंस्टिट्यूटेड, ये कंस्टिट्यूट की गई है, ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम हैड सजेस्टेड अ मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम। एक्चुअल में ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी के लिए ये पैनल बनाया गया है। तो इस पैनल से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखेंगे तो कोविड 19 के लिए कई सारे हमारे स्कीम्स, कई सारे न्यूज आ जा रही होती हैं। तो फटाफट करके वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ है हमारे कोविड 19 में। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारे बहुत सारी कह लीजिए कि टूल्स जरूरत होती है कोविड पेशेंट के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे वेंटिलेटर, लेकिन वेंटिलेटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक तो ये काफी महंगी पड़ जाती है, और इसमें सीन ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ये वेंटिलेटर की सहायता से सॉल्व कर दिया जाता है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस होती है, केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा यहां पर और भी कंपोजिशन ऑफ द गैसेज होती है, और यहां पर जो भी ऑक्सीजन गैस रहती है वो ऑक्सीजन 21% से ज्यादा रखी जाती है, ताकि जितनी भी अमाउंट ऑक्सीजन की जरूरत हो रही होती है पेशेंट को वो एक्सट्रैक्ट कर ले उतना ले ले। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है, कंप्रेस्ड गैस रहती है, कंपोजिशन ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस का होता है, और यहां पर 21% से ज्यादा ऑक्सीजन गैस रखी जा रही होती है, लेकिन महंगा होता है। महंगा रहेगा तो सीधी सी बात है लिमिटेड कैपेसिटी रहेगी। लिमिटेड कैपेसिटी होने के कारण से हम लोगों ने एक नया अपना ओरिजिनल वेंटिलेटर बनाया जिसका नाम है एम्बू बैग। देखिए एक्चुअल में वेंटिलेटर नहीं होता है, एक तरीका का ये पोर्टेबल वेंटिलेटर आप बोल सकते हैं इसको। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों को जब अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो वो अपने हाथ में एक इनहेलर रखे रहते हैं। ये इनहेलर भी काइंड ऑफ एम्बू बैग भी इनहेलर टाइप का ही है, जहां पर एक छोटा सा इनहेलर रखा गया है जिसको पंप करने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई पेशेंट को दी जा सकती है। काफी सस्ता है, पोर्टेबल है, इस वजह से इसको यूज किए जाने के लिए सरकार से जो भी हमारे कह लीजिए कि साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने बोला है कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इट इज अ स्मॉल डिवाइस विच विल डिलीवर ब्रीदिंग सपोर्ट इन द इमरजेंसी सिचुएशन। प्रॉब्लम इसमें यही है कि मैकेनिकल है लेकिन मैनुअल है। तो बाकी साइंटिस्ट ने बोला है कि देखिए आप मुझे खाली और खाली परमिशन दीजिए, इसको मैं फटाफट इसको मैकेनिकल जो भी मैनुअल काम कर रहा है उसको मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा, कोई ना कोई एक छोटी सी डिवाइस लगा देंगे, कुछ बना देंगे। तो ये हुआ
एम्बू बैग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्बू बैग क्या चीज है, व्हाट इज इट रिलेटेड विथ, तो आप बता देंगे इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डिवाइस एंड मैनुअल डिवाइस फॉर द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ब्रीदिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगली जो हमारी करंट अफेयर्स है वो है साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। अब ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, थोड़ा सा आपको बायोलॉजी यहां जानने की जरूरत है। जैसे आप लोग जब भी देखे होंगे कि आपका कहीं पर भी स्किन में कट लग गया या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स तुरंत आ जाती हैं प्लाज्मा फॉर्मेट में और उसके ऊपर लेयर लगा करके जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन को, अगर किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर जनरेट कर देती है। एज पार्ट ऑफ व्हाट, ये कर रही होती है एक तरीके से बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में यूज कर रहती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी भी बोल रहे होते हैं। तो इम्यून सेल यहां पर डेवलप हो जाती है। लेकिन ऐसा पाया गया हमारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के द्वारा कि देखिए कोविड के कारण से प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि इम्यून सेल ज्यादा डेवलप हो जा रहे हैं। तो एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है ओवर प्रोडक्टिव। तो किसी भी चीज का ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाएगा तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। तो नुकसानदेह होने में यही होता है कि आपकी एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर जम जाती है जो अपने आप में फिर से डेंजरस बन जाता है। और यही जो डेंजर सिचुएशन है इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जहां पर WBC अपने आप में ही एक डेंजरस ब्लड सेल्स बन जा रही होती है। तो इट इज अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल एंड देयर एक्टिवेटिंग कंपाउंड विच इज अ फ्लू इंफेक्शन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सर्ज ऑफ एक्टिवेटेड इम्यून सेल इन टू द लंग्स। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। आप लोगों के लिए अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि RBC का लाइफ साइकिल क्या होता है और WBC का लाइफ साइकिल क्या होता है। RBC अगर कम हो जाए तो कौन सी डिसीज हो जाती है और WBC अगर कम हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ही दे देते हैं, जैसे RBC है, अगर कम हो रही होगी एनीमिया हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि WBC के कम होने पे कौन सी बीमारी हो सकती है। क्लियर हो गया। चलिए खैर, वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस वीडियो के एंड में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन वीडियो के बीच बीच में भी कई सारे क्वेश्चन दूंगा ताकि लॉकडाउन के पीरियड में आपका जो दिमाग का लॉकडाउन है वो ओपन रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। चलिए खैर, जो सपाट स्टार्ट करते हैं अगला करंट अफेयर। करंट अफेयर अगली है कि ऐसा पाया गया ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ऐसा पाया गया है कि जो भी लोग BCG का टीका लगाए हुए हैं, मतलब कि टीबी के लिए एक कह सकते हैं कि BCG का टीका लगता है बचपन में ही, तो जिन लोगों को BCG का वैक्सीनेशन हो रखा है, BCG का टीका लगा हुआ है, उनमें कोविड के केसेस बहुत ही कम या नहीं के बराबर पाए गए हैं। जैसे जापान हो गया, ईरान हो गया, यहां पर BCG का टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है, जिसके कारण से नंबर ऑफ केसेस बहुत कम पाए गए। लेकिन ये केवल और केवल ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है। इंडिया में BCG का जो वैक्सीनेशन है 1968 से स्टार्ट हुआ था और हम लोग अपने आप को इस बात को सेटिस्फाई करा रहे हैं, अपने आप को ही सेटिस्फाई करा रहे हैं कि हमने भी BCG लगा रखा है और हमें कोरोना नहीं होना चाहिए। हालांकि इंडिया में अगर देखेंगे तो कोरोना के जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। खैर चलिए, तो हम लोग उसको नहीं जाएंगे, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कोई फुल प्रूफ फैक्ट नहीं है। तो BCG जिसको कि हम लोग बैसली कालमदे ग्रीन ये एक वैक्सीन बोलते हैं, जो कि टीबी के लिए लगाई जा रही होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर दे रहा है, जिसके कारण से जो लेप्रोसी होती है या फिर नॉन इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट में एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि BCG शॉट जिनके भी बचपन में लगा है, दे आर लेस लाइकली अगेंस्ट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तो बच जाते हैं ये लोग इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करें अगर, तो देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पराना। प्रोजेक्ट पराना क्या चीज है, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि किसने लॉन्च किया है। तो लॉन्च किसने किया है, ISC बैंगलोर ने। इसने क्या किया है, इसने खुद से वॉलंटियर बेसिस पे एक अपना खुद का वेंटिलेटर बनाया है। तो इंडिजिनस वेंटिलेटर प्रोटोटाइप इसने डेवलप कर लिया है, किसके अंडर, प्रोजेक्ट पराना के अंडर। किसके लिए, कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए, एक क्राइसिस सिचुएशन को देखते हुए एक इंडिजिनस वेंटिलेटर बना लिया गया है। तो बस यही एक छोटी सी स्कीम है, प्रोजेक्ट पराना क्या है ये बता सकते हैं आप, कौन बनाया है ये बता सकते हैं। तो इट इज अ टाइप हैज मास फ्लो सेंसर एंड कंट्रोलर विच एक्यूरेटली टेल हाउ मच ऑक्सीजन इज फ्लोइंग एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ पेशेंट इज इनहेलिंग इन वन ब्रीथ, तो पता चल जाएगा कितना जरूरत है, कितना ले रहा है। अगली एक करंट अफेयर्स आ जाती है, अगेन इंपॉर्टेंट है, क्या है, जियो फेंसिंग। व्हाट इज जियो फेंसिंग,
जैसे आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि क्वारंटाइन के लिए लोगों को रखा गया और उसके बाद से दो चार दिन बाद वो लोग भाग गए। अब भाग जा रहे हैं, क्यों भाग जा रहे हैं उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन भाग जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाग जाने के कारण से जो भी वहां की अथॉरिटी है उसको फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ रही है, पता करना पड़ रहा है कौन कौन उनके कॉन्टैक्ट में आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां भागे एंड ऑल दैट, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जियो फेंसिंग कर दी है। मतलब क्या है, जियो मतलब अर्थ एंड फेंसिंग मतलब बार्डिंग कर देना चारों ओर में, बाउंड्री एक तरीके से लगा लेना। सरकार ने क्या किया है, इनके मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर दिया है और इसकी लोकेशंस लेना शुरू कर दिया है। इनके लोकेशन के थ्रू ये पता चल जाएगा कि अगर ये भागे भी तो कहां भाग रहे हैं, और अथॉरिटी जाकर के तुरंत इनको पकड़ करके वापस लेकर के क्वारंटीन हाउस में चली जाएगी। तो एक बहुत ही छोटी सी स्कीम है जहां पर जो भी बंदा गया है, भाग रहा है, तो उसको बस पकड़ने के लिए कह सकते हैं एक तरीके से ये स्कीम लाई गई है, जियो फेंसिंग। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि ये मॉनिटरिंग ऐप है, मॉनिटरिंग तरीका है। कैसे किया जाएगा, जीआईएस की मदद से किया जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसी तरीके की एक दूसरी भी कह ले सकते हैं कि वो एंड्रॉइड ऐप है जिसका नाम है नादी। नादी का फुल फॉर्म क्या है, नादी का फुल फॉर्म है नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। ये भी एक तरीके से सेम जियो फेंसिंग टाइप की ही है, बस यहां पर लोग भाग नहीं रहे हैं, बस इनको ट्रेसिंग करने के लिए रखा गया है कि चलो ठीक है इनको देखते रहेंगे किस किस के संपर्क में आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे और इनको कंटेनमेंट जोन में रखे रहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस नाडी। नाडी हालांकि केवल और केवल उन जगहों के लिए रखा गया है जो कंटेनमेंट जोन में है, और जबकि जियो फेंसिंग किस में रखा गया, जो लोग भी क्वारंटीन हाउस में है। दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या चीज है, दोनों का काम एक ही है, सब कुछ ठीक है, बस अलग अलग इनका ऑब्जेक्टिव है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग का कोविड केस है, कोविड में बहुत सारी आजकल न्यूज़पेपर आ रही, न्यूज आ रही है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या कुछ है। अगला करंट अफेयर्स देखें तो देखिए, एक बनाई गई है कवच स्कीम। अब ये कवच का मतलब क्या है, कवच का मतलब है सेंटर फॉर ऑग्यूमेंटिंग वॉर विथ कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस। ये स्कीम निकाली गई है डीएसटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कवच विल स्काउट इवेलुएट एंड सपोर्ट द इनोवेशन एंड स्टार्टअप दैट एड्रेस कोविड चैलेंज। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं, जैसे नंबर ऑफ सैनिटाइजर मेकिंग कंपनी हो गई, या फिर कोई वेंटिलेटर ही बना रहा है, या कोई मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ चीजें की जा रही है अलग अलग स्टार्टअप के द्वारा। कुछ लोग जैसे मास्क बना रहे हैं, कुछ लोग पीपीई किट बना रहे हैं, तो सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा है आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें जरूरत भी है ऐसे काम की। तो ऐसे लोगों का एप्रिसिएशन करने के लिए और उनको जिस भी चीज की जरूरत है उसको देने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाल दी है जिसका नाम है कवच स्कीम। इसके अंतर्गत किया ये जाएगा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो अगले 6 मंथ के अंदर अंदर में कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा टूल अगर डेवलप कर लेंगे जो कि हमारे कोविड के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टार्टअप्स को सरकार कवर करेगी, ऐसे स्टार्टअप्स को उनको चुनेगी, और उसके बाद से इनको अगर फंड की जरूरत है तो फंड दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी की जरूरत है टेक्नोलॉजी दी जाएगी, या अगर किसी और चीज की जरूरत है तो और चीज दे दी जाएगी। ये सारा का सारा कवर किया जा रहा है डीएसटी के द्वारा, और साथ में आईआईटी बॉम्बे का एक इंक्यूबेटर है साइन। साइन का मतलब सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है हमारे कवच का मतलब और कौन इसमें अथॉरिटी है। देखिए सिविल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स देखिए यही होती है, बस क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कौन कौन सी चीजें हैं, कहां कहां पर चीजें हैं, बस यही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। यहां पर देखिए वही जो हम लोगों ने स्टार्टअप्स के बारे में बात किया, 50 इनोवेशंस स्टार्टअप जो है वो चुने जाएंगे, जो कि जिनका काम जो होता है वो वेंटिलेटर या इस तरीके से देख सकते हैं आप जो भी कोविड केसेस से रिलेटेड है उन्हीं के लिए, लेकिन विद इन 6 मंथ तक के लिए होगा। अगली करंट अफेयर देखेंगे तो देखिए पीपीई किट जो है, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग थिंग था हमारे लिए, क्योंकि चाइना से मंगाना पड़ता था, महंगा पड़ता था, इमरजेंसी कंडीशन भी थी, और सबसे बड़ी चीज डिपेंडेंट थे हम लोग। अब डीआरडीओ ने अपना खुद का एक पीपीई किट बना दिया है, अब हम लोग मंगाते नहीं हैं, एक्सपोर्ट तक करने लग गए हैं, इतना ज्यादा हम लोग पीपीई बनाना शुरू कर दिए। तो बस वही है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत आने पर आदमी हर एक चीज सीख जा रहा होता है। तो खैर यहां पर देखते हैं डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ ने पीपीई किट बना लिया। पीपीई किट के बारे में आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव
एक इक्विपमेंट कह सकते हैं होती है, जहां पर बॉडी हेड से लेकर के टो तक पूरी तरीके से कवर होती है, जिससे कि पेशेंट के साथ में अगर कांटेक्ट होता भी है तो किसी प्रकार के ट्रेसेस बॉडी में ना जाएं। तो इट हैज प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया गया है एक स्पेशल सीलेंट की मदद से। अब सीलेंट क्या चीज होती है, जैसे आपने जो भी कपड़ा वगैरह पहना होगा उसमें आपने देखा होगा कि वो सिलाई की जाती है। सिलाई करने से होता क्या है कि अगर हम पीपीई को अगर सिलाई करें या उसको चिपकाएं तो उसमें क्या होती है कि पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी पेशेंट या वायरस या कुछ भी एयर ट्रैप कर सकता है, अंदर जा सकता है, तो उसके लिए एक स्पेशल सीलेंट की जरूरत पड़ती है जो कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी होल कुछ भी ना छोड़े, जिससे कि वायरस की जो भी ट्रैपिंग या वायरस जो जा सकता है वो पॉसिबिलिटी भी जीरो हो जाए। तो इसके लिए एक स्पेशल सीलेंट डीआरडीओ ने यूज किया है एज एन अल्टरनेटिव टू सीम सीलिंग टेप बेस्ड ऑन सीलेंट यूज्ड इन सबमरीन एप्लीकेशन। तो सबमरीन में जो यूज की जाती है वो यहां पर यूज की गई है। इसके अलावा डीआरडीओ ने कुछ और भी डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है, एक डेवलप किया है पोर्टेबल बैकपैक। अब ये क्या चीज है, मान लीजिए कोई छोटा सा इलाका है, रूम है, हॉस्पिटल रूम है, उनको मान लीजिए सैनिटाइज करना है, तो सैनिटाइज करने के लिए आप बड़ी भारी भरकम गाड़ी तो लेकर के आएंगे नहीं, तो व्हीकल की जगह पर एक छोटा सा पोर्टेबल बैकपैक बनाया गया है जो सैनिटेशन कर रहा होगा, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। लेकिन बड़ा एरिया आ गया तो क्या करेंगे, बड़ा एरिया के लिए भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है ट्रॉली माउंटेड लार्ज एरिया सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट। ये भी बड़ा किया गया है बस सैनिटाइजेशन के लिए। दोनों याद रखिएगा, डीआरडीओ के बारे में याद रखिएगा, और डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए खैर, तीसरी जो हमारी स्कीम आती है वो आती है हमारी ऑपरेशन संजीवनी। ये क्या चीज है, देखिए एक्चुअल में ये रिलेटेड है आईआर से और मालदीव है। मालदीव ने क्या किया है कि कुछ कह लीजिए कि दवाइयों की इसको जरूरत थी और लॉकडाउन से पहले जरूरत थी, तो सरकार ने क्या उस समय दे नहीं पाए थे, प्रॉब्लम में थी, तो इस वजह से क्या हुआ है कि सरकार ने एक ऑपरेशन संजीवनी चला करके हमारा जो एयरफोर्स है उसके सहारे अलग अलग स्टेट से, जैसे दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, बैंगलोर हो गई, अलग अलग स्टेट अलग अलग सेंटर से दवाइयों को मेडिसिन को लिफ्ट किया है और मालदीव को जाकर के दे दिया है। तो बस जो आईएएफ की कह लीजिए फ्लाइट यूज की गई है उसका नाम C-130J यूज की गई है, जो बिल्कुल भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। यहां पर 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन जो होता है वो मालदीव को डिलीवर कर दिया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां भी हैं, जैसे इंफ्लुएंजा वायरल वैक्सीन हो गई, एंटीवायरल ड्रग हो गया, जैसे लोपिनावेर और राइनोवेर। तो ये दो वैक्सीन का नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि ये न्यूज में रही है काफी ज्यादा। चलिए खैर, अगला जो करंट अफेयर्स है वो है रिलेटेड विद करुणा इनिशिएटिव। अब ये करुणा इनिशिएटिव क्या है, ये देखिए सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या आईआरएस हो गया, ये जितनी भी सर्विस होती है उन सारे लोगों ने मिलकर के कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाया है। किसके किसके साथ मिलकर के, लगभग सारे लोगों के साथ मिलकर के, सिविल सर्वेंट भी हैं इसमें, वॉलंटियर्स भी हैं इसमें, एनजीओ वाले लोग भी हैं, आईटी प्रोफेशनल भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मतलब लगभग सब लोग जो भी मार्केट में निकल रहे हैं, इन लोगों के साथ मिलकर के एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इस कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ये बेसिकली डायरेक्टली इन टच रहते हैं लोकल पब्लिक से। अब लोकल पब्लिक या डॉक्टर इनको जो भी जरूरत है, चाहे वो पीपीई किट की जरूरत हो, चाहे किसी और भी चीज की जरूरत हो, वो सारा का सारा इस करुणा इनिशिएटिव के थ्रू इन तक पहुंचता रहेगा, पता चलता रहेगा और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस यही है कि गवर्नमेंट को पता चलते रहे किस चीज की रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बेसिकली उन जरूरतों को पूरा करवाने में मदद करें, और यही है हमारा करुणा इनिशिएटिव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका है ये इनिशिएटिव, तो आप बता देंगे कि ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन का ये स्कीम है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। अगली करंट अफेयर्स फिर से हमारी कोविड से रिलेटेड है। क्या है, कोविड ट्रांसमिशन टू न्यू बॉर्न। जैसे कई बार आप क्वेश्चन ये उठ रहा है, जैसे मुंबई में एक छोटे से बच्चे को, 3 दिन के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, हालांकि बाद में उसका फिर से टेस्ट हुआ और उसके बाद से वो कोरोना निगेटिव पाया गया, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन उठ गया, क्या मां से बच्चे को फोइटस के दौरान में क्या कोरोना ट्रांसफरेबल है, क्या ट्रांसफर इस तरीके से हो सकता है। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि देखिए, देयर इज नो एविडेंस एज सच टू शो दैट प्रेग्नेंट वुमेन आर मोर वल्नरेबल और आर हायर रिस्क टू सीवियर इलनेस फ्रॉम कोविड देन द जनरल पॉपुलेशन। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान में ट्रांसमिशन हो
बच्चे को भी, फोएटस को भी, तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल में कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं पाया गया है कि मदर से फोएटस को इस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा हो। तो फिलहाल के लिए आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, अगर पूछा भी गया तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी समाधान चैलेंज। अब देखिए, हम लोगों ने कवच लॉन्च करके रखा हुआ है, किसके लिए? बाकी स्टार्टअप्स के लिए, कि जो भी जरूरत है, जो भी बना रहे हैं, आप बनाइए, बताइए, हम लोग उसको एक्शन में ले लेंगे। करुणा इनिशिएटिव लगा दिया गया है कि चलो भाई, जो भी जरूरत रहेगी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू सरकार तक पहुंच जाएगा और सरकार उस चीज को, कह लीजिए, जरूरत की चीजों को दे देगी। तीसरी स्कीम निकाली गई है हमारे MHRD के द्वारा समाधान चैलेंज के नाम पर, कि जितने भी स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, वो भी अपना रिसर्च करते रहें, वो भी अपना डिस्कवरी करते रहें, वो भी अपना एक्सपेरिमेंट करते रहें, और कोरोना के लिए अगर कोई भी चीज अगर आप तैयार कर लेते हैं, चाहे वो टूल हो, इक्विपमेंट हो, या कह लीजिए कि इसके बारे में कोई स्टडी ही हो, तो हमें बताइए, किसके थ्रू? समाधान चैलेंज के थ्रू। इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए कौन कौन है इसके पीछे? एक तो MHRD है, सीधी सी बात है, स्टूडेंट है तो MHRD तो आना ही आना है। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये भी है, और साथ में एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है फॉर्ज एंड इनोवेशियो क्योरिस। तो इसका नाम भी, तीनों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। This challenge will inspire student and faculty for novel experiment and discoveries, providing a strong baseline of experimentation. This challenge will also create awareness among citizens. सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा चैलेंज आएगा, ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से आप टास्क दिए जाएंगे तो लोगों में कोरोना के बारे में और अवेयरनेस फैलती जाएगी और इस तरीके से हम कोरोना से लड़ सकते हैं। बाकी दूसरी एक और करंट अफेयर्स आ जाती है, क्या COVID-19 एनिमल्स में हो सकता है? ये पूरी की पूरी डिस्कशन तब स्टार्ट होती है जब US में एक नाडिया नाम की टाइग्रेस वो मर जा रही होती है, और इस कारण से यहां पर अगेन एक क्वेश्चन उठ जाता है, क्या एनिमल्स में कोविड हो सकता है? तो अगेन यहां पर जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी कह लीजिए कि कोरोना वायरस पर रिसर्च की गई है, और जो हमारा WHO है, वो अभी तक यही बात कहा है कि कोरोना वायरस एनिमल्स में ट्रांसमिट नहीं होता है। मतलब कि अगर एनिमल को हो रहा है तो उस एनिमल से आदमियों में नहीं पहुंचेगा। लेकिन आदमी से एनिमल में कैसे हुआ? अगर कोई बंदा है, कोविड पॉजिटिव है, और अगर वो जा रहा है एनिमल को सर्व करने के लिए, या कुछ भी किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट में अगर आ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनिमल को भी कोरोना हो जाए, तो वो भी सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, फीवर वगैरह हो जाएगा। तो सरकार ने यही कहा है कि देखिए, आपको, इनफैक्ट इंडिया में भी ये चीज कही गई है, जितने भी DFO है या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको बोला गया है कि देखिए, आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने फॉरेस्ट एरिया में देखते रहिए कि अगर किसी इस तरीके के जानवर को, जैसे बंदर हो गया या फिर आपका टाइगर हो गया या जितने भी जानवर हैं, अगर उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी अगर शो कर रहे होते हैं, तो उन पर क्लोज वॉच करिए। लेकिन एक चीज इंश्योर करिए कि जो भी बंदा उन जानवरों के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जा रहा है उनको सर्व करने के लिए किसी भी तरीके से, मेक श्योर कि उस बंदे को कोरोना ना हुआ हो, क्योंकि अगर जानवरों में फैल गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक छोटी सी और करंट अफेयर्स है, और वो है जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ COVID-19। जैसे क्या हो रहा है कि हम लोग कोरोना वायरस के लिए ज्यादा से ज्यादा नई नई जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि हम लोग कोरोना के बारे में कुछ जब जानते रहेंगे तो उसके बारे में रिसर्च होगी तो फिर उसके वैक्सीन आने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जीनोम सिक्वेंसिंग कर रही है। व्हाट इज जीनोम सिक्वेंसिंग? जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब है कि जो भी DNA है, उस DNA को कलेक्ट करके उसकी सिक्वेंसिंग की जाती है, देखा जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, कहां पर क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से कोरोना के वायरस का स्प्रेड देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर कोई एक सिमिलैरिटी, कोई एक पैटर्न अगर देखने को मिलेगा, तो उस पर आसानी हो जाएगी, रिसर्च करना, वैक्सीन बनाना आसान हो जाएगा। तो अगर देखें, करंट अफेयर्स यह है कि इंडिया ने भी बाकी वर्ल्ड के साथ, जैसे US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, मतलब बाकी सारे, कई सारे कंट्री के साथ मिलकर के जीनोम सिक्वेंसिंग में इंडिया भी अपना पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया है। यहां पर इंडिया ने भी, एज पार्ट ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग, इंडिया ने भी 9 स्ट्रेन्स या फिर क्या है, 9 जीनोम सिक्वेंसेस शेयर किए हुए हैं SARS-CoV-2 के विद द ग्लोबल इनिशिएटिव। ये काम करने के लिए प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये
करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा क्या चीज है, पहली चीज। दूसरी, किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे जीनोम सीक्वेंसिंग। तीसरी, क्या ये खुद इंडिपेंडेंटली काम कर रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रही है, तो आप क्या बताएंगे, दिस इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरीके का डेटा शेयर कर रहा है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ छोटी मोटी और भी करंट अफेयर्स है, अदर्स रिलेटेड टिटबिट टाइप की आप बोल सकते हैं। जैसे पहली है डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर को लेकर के। अब जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पता ही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी डिक्लेयर कर दी गई है। आर्टिकल 370 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हुआ करता था उसको हटा दिया गया है और इसके कारण से अब नए लॉज लगेंगे। तो जो नए लॉज हैं वहां पर क्वेश्चन उठा, पहले तो आप ये बताइए डोमिसाइल का क्या केस होगा। तो सरकार ने, सरकार मतलब होम मिनिस्ट्री ने, टू बी प्रिसाइजली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डोमिसाइल कौन देता है, देता कौन है, देता है हमारी MHA। तो होम अफेयर ये बोली है कि जो भी बंदा 15 साल तक अगर जम्मू कश्मीर यूटी में रहा है, कैसे पता चलेगा, रेजिडेंट से, या फिर कह लीजिए कि वहां पर सर्टिफिकेट, जो भी पोस्ट पेड का बिल हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, ये सब बता देगा कि 15 साल से रहा है कि नहीं रहा है। तो अगर कोई बंदा 15 साल से रहा है, चाहे वो माइग्रेंट ही क्यों ना हो, उसको डोमिसाइल दे दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा 7 साल तक एजुकेशन में रहा है, एजुकेशन के कारण से वहां पर रहा है और उसने 10th या 12th का एग्जामिनेशन दिया हुआ है उस स्टेट में रह करके, तो उसको डोमिसाइल दे दी जाएगी। तीसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है अगर, और वो एम्प्लॉय 10 साल तक अगर सर्विस किया हुआ है, तो उसको डोमिसाइल दे दी जाएगी। साथ में इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बच्चे हैं, कह लीजिए इनके जो चिल्ड्रेन है, उनको भी डोमिसाइल दे दी जाएगी। समझ में आ गया कौन कौन से तरीके हैं डोमिसाइल देने के, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर भी, तो ध्यान रखिएगा, क्लोज वॉच रखिएगा। एक और चीज है, छोटी सी चीज है, करंट अफेयर्स है और इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। यहां पर जरा आपको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स पे आ जाते हैं। जैसे बैंक है, बैंक को क्या करना होता है, बैंक क्या करती है इनफैक्ट, कि अगर मान लेते हैं कि आप 100 रुपए सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करने जा रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक इसका कुछ रिजर्व अमाउंट रखती है। रिजर्व क्यों रखती है, इसलिए रखती है ताकि यहां पर लिक्विडिटी मेंटेन रहे और बैंक भी थोड़ा सा सेफ कंडीशन में रहे, कल को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बैंक फेल ना करे, तो उसके लिए रिजर्व अमाउंट रखा जाता है। किस नाम पे, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम पे, और CRR कैश रिजर्व रेशियो के नाम पर। ये सब आपको पता होगा, बेसिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। बेसल थ्री के दौरान में, चूंकि बैंक्स वगैरह फेल हो रहे हैं, तो बेसल थ्री में ये कहा गया कि यार देखिए, आपको एक और अलग से एक एक्स्ट्रा रिजर्व बना करके रखना चाहिए, जस्ट लाइक CRR एंड SLR, उसी तरीके से एक CCC काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर एक बना करके रखना चाहिए, ताकि जितने भी तरीके के बैंक फेलियर हो रहे हैं या फिर कह लीजिए NPA की प्रॉब्लम आ रही है, इन सब की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके, इसके लिए भी बैंक जो है परेशान ना हो। तो इसके लिए बस यही किया गया है, एक नया फंड बना दिया गया है, फंड बनाने के लिए बस वही एक, इट्स इंपॉर्टेंट थीम ऑफ बेसल थ्री नॉर्म। लेकिन करना इसी 2020 से था, बेसल थ्री नॉर्म को 2020 से लेकर के आना था, लेकिन कोरोना का केस हो गया, लिक्विडिटी वैसे ही हमारी जो होती है प्रॉब्लम में आ रखी है, इकोनॉमिक शॉक वैसे ही आ रखा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे ग्लोबल इकोनॉमी हो। इसके लिए सरकार ने कहा है कि ये जो काउंटर साइक्लिकल बफर बनाना था उसको अभी हम डिफर्ड करेंगे। कौन बोला, RBI ने बोला। क्यों, क्योंकि RBI ही सारे एक्शन ले रही होती है, RBI कोई सेंट्रल बैंक बनाया गया है। तो RBI ने फिलहाल कहा है कि ये सब आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, कब तक, अगले एक साल तक के लिए, यानी 2021 में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च करेंगे कि नहीं करेंगे तो देखेंगे, लेकिन लॉन्च कर सकते हैं 2021 में। इट इज एम्ड टू प्रोटेक्ट द बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन लाइक रिसेशन। तो रिसेशन वगैरह के दौरान में ये सब चीजें अगर प्रॉब्लम में आती हैं तो ये काम किया जा सकता है। क्लियर हो गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि काउंटर साइक्लिकल बफर, कैपिटल बफर क्या चीज है, किससे रिलेटेड है और किस नॉर्म्स के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखिए सनराइज मिशन के बारे में एक है। सनराइज मिशन आपको थोड़ा सा यहां पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये, पहली बात तो मिशन किसका है, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का है या फॉरेन गवर्नमेंट का है, पहली चीज। दूसरी चीज, किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये स्टार्ट किया गया है नासा के द्वारा, जो सनराइज मिशन है या नासा के द्वारा किया गया है।
किसके लिए? सन का राइज, सन मतलब सन के जो भी सोलर फ्लेयर्स आ रही होती है जिसके कारण से मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और इस तरीके से जो सोलर फ्लेयर्स आ रही होती है ये अर्थ के मैग्नेटिक कैरेक्टर को लगातार इम्पैक्ट कर रही होती है, अर्थ की मैग्नेटिज्म भी बदल रही होती है। रिसेंट में आप लोगों ने करंट अफेयर भी फॉलो किया होगा, उसमें था कि अर्थ की जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो भी शिफ्ट कर रही है। तो इन सारी चीजों का मेन जो सोर्स है वो है सन का सोलर फ्लेयर, और इस सोलर फ्लेयर को स्टडी करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने कई सारे मिशन हालांकि भेज रखे हैं, जैसे आदित्य L1 मिशन हो गया या हमारी जो इंटरनेशनल सोलर मिशन हो गई, वैसे एक और सनराइज मिशन भी भेज दिया गया है ताकि हम सोलर जितनी भी फ्लेयर्स आ रही है उसको हम देख सके कि आखिर में ओरिजिनेट कहां से हो रही है। इसके लिए 6 कैमरा लगाए गए हैं, जैसे सैटेलाइट होती है वैसे ही सैटेलाइट 6 सैटेलाइट क्यूब सेट्स लगाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा 6 क्यूब सेट्स लगाए गए हैं, और इस 6 क्यूब सेट के सहारे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं किसको? सोलर रेडिएशंस को या सोलर रेडियो वेव्स को। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है सनराइज, जिसका नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो सनराइज मिशन के बारे में ध्यान रखिएगा, सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए। सोलर फ्लेयर का इफेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, नासा के द्वारा स्कीम निकाली गई है, और सनराइज का फुल फॉर्म क्या है। आगे की हमारी जो करंट अफेयर्स है वो है थोड़ी सी हमारी कह लीजिए कि मैप मेकिंग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे नतूना आइलैंड। अब आपको पता है साउथ चाइना सी में बहुत बड़ा इशू हो रखा है, चाइना ने बहुत बड़ा इशू करके रखा है वहां पर, जो भी हमारी अनक्लॉज की कह लीजिए कि जो लॉज होती हैं यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सीज के जितने भी लॉज होते हैं उसको नहीं मानता है। नहीं मानने का कारण क्या है? चाइना अपनी 9 डैश लाइन को मानता है, और इस 9 डैश लाइन के सहारे नतूना आइलैंड पर भी इसने जो है कवरेज कर लिया है, नतूना आइलैंड पे भी इसने अपना कब्जा कर लिया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नतूना आइलैंड है वो किसकी टेरिटरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा किसके टेरिटरी के अंतर्गत है, तो टेरिटरी है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के टेरिटरी के अंतर्गत आता है। बाकी तो जो है नतूना आइलैंड पे इलीगल फिशिंग और ये सब करते हुए चाइना पकड़ा गया है, ये सब देखिए फालतू की बातें हैं। जो मेन यहाँ का काम की चीज है कि नतूना आइलैंड किस ओशियन में है, जैसे पैसिफिक ओशियन है या साउथ चाइना सी है, तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया साउथ चाइना सी है। किसके एक्सक्लूसिव जोन में आता है? तो इंडोनेशिया की टेरिटरी में आ रहा होता है। कौन सी डैश लाइन है? तो 9 डिग्री या फिर 9 डैश लाइन चाइना की जो डिफाइंड है उसके अंतर्गत आ रहा होता है। अभी हम लोग इसकी लोकेशन भी देखेंगे पहले एक बार, और छोटी सी और करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जरा बात कर लेते हैं, दैट इज वर्जिन आइलैंड। वर्जिन आइलैंड क्या है? ये यूएस की है एक आइलैंड है जहां पर सनस्क्रीन को बैन कर दिया गया है। सनस्क्रीन में माइक्रोबीड्स होते हैं, माइक्रोबीड का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं। इस छोटे छोटे प्लास्टिक के कारण से समुद्र जो है, जो हमारा ओशियन है वो पॉल्यूट हो जा रहा है, और उसी पॉल्यूशन को रोकने के लिए ही इस तरीके का एक्शन लिया गया है। तो इस छोटे छोटे केमिकल, छोटे छोटे प्लास्टिक बीड्स के कारण से जो कोरल रीफ है वो हार्म हो रहे हैं, और अल्टीमेटली बायोडायवर्सिटी लॉस में जा रही है, बायोडायवर्सिटी को लॉस हो रहा है, तो इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या पहला, सबसे पहला कौन सा आइलैंड था जिसने इस तरीके के सनस्क्रीन को बैन किया है? वो है पलाऊ आइलैंड। तो पलाऊ आइलैंड ने सबसे पहले बैन किया था। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेगा, पलाऊ आइलैंड किस ओशियन में है? ठीक है, तो ये भी अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पलाऊ आइलैंड कहां पर है, कौन से ओशियन में है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, या फिर कौन से ओशियन में है। ठीक है, चलिए खैर, ये हमारी लोकेशन देख लीजिए, हमारी इस तरीके से देखेंगे साउथ चाइना सी यहां पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज थाईलैंड, ये हो गया लाओस, ये हो गई आपकी कंबोडिया, यहां पर हो गई वियतनाम, ये हो गई हमारी मलेशिया, यहां पर इंडोनेशिया है, तो इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जाती है, फिलीपींस है, और यहां पर चाइना आ जाती है। तो चाइना का 9 डैश लाइन कुछ ऐसा है, इस तरीके का 9 डैश लाइन है, जिसमें इन सारे आइलैंड पे पार्सल आइलैंड हो गई, या फिर हमारी स्प्रैटली हो गई, स्कारबरो हो गई, डोंगशा हो गई, इन सब पे ये अपना एक अधिकार करके रखा है। कह लीजिए कि छोटे छोटे नेशन इस वजह से अपनी सुप्रीमेसी यहां पर दिखा रहा होता है। इस सुप्रीमेसी का इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ये सारे रीजन ऑयल और नेचुरल गैस से काफी ज्यादा भरे हुए हैं, इसलिए चाइना इन पर कैप्चर करना चाह रहा होता है। क्वेश्चन आपसे क्या क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं 9 डैश लाइन क्या है, तो आपसे 9 डैश लाइन वाली चीज कवर करके रखिएगा क्या चीज है। दूसरी,
आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन लेफ्ट टू राइट या फिर नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने को आ सकता है। तो इसको लोकेशन आप लोग देख लीजिए, पार्सले कहां पे है, स्प्रैटली कहां है, स्कलबरो कहां है, मैसल फील्ड कहां है, तो ये आप देख लीजिए लोकेशन कहां पर है, इसको आप याद कर लीजिए, अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नतूना कहां है, नतूना यहां है, देखिए ये नतूना है, किसके टेरिटरी के अंतर्गत आ रहा है, ये टेरिटरी आती है इंडोनेशिया के टेरिटरी के अंतर्गत आ रही होती है। देखिए अनंबास भी इसी तरीके की एक छोटी सी टेरिटरी हो जाती है। तो ये सारे आइलैंड को जरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछी जा सकती है। इसी तरीके से देखिए हमारी यहां पर भी एक आइलैंड थी वर्जिन आइलैंड, उसके बारे में भी है। तो आप देखेंगे तो ये बेसिकली वेस्ट इंडीज के पास में आती है, जहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्यूबा हो गई, ये यूएस हो गया, हायती हो गई, डोमिनियन रिपब्लिक हो गया, पुर्तो रिको हो गया, फिर यहां पर साउथ अमेरिका में आ गया, वेनेजुएला हो गई, गुयाना हो गई और सरीनेम हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारी वर्जिन आइलैंड जो कि अटलांटिक ओशियन में है। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था अपने आप यहीं पर सॉल्व हो गया, अटलांटिक ओशियन में वर्जिन आइलैंड है। और यहां पर आपको लोकेशन अगेन नॉर्थ से साउथ या लेफ्ट टू राइट पूछा जा सकता है, तो अगेन इसकी भी लोकेशन याद रखिएगा, अपने मैप पे लोकेट कर लीजिएगा और इस चीज को कॉपी नोट्स में रख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन आपके लिए, क्या कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपको पता ही चल जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। आरोग्य सेतु के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें करंट अफेयर्स जो भी है वो आपको पता है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, बट किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आरोग्य सेतु किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्लूटूथ है, इसमें वाईफाई ऑन करना पड़ता है, तो ये सब चीजें होती है जिसके थ्रू बेस होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन सी लग रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरी है तबलीगी जमात से रिलेटेड, आपको पता ही है कि तबलीगी जमात जो होते हैं जिसके कारण से जो होती है कोरोना वायरस फैलने का एक बनाया गया था मीडिया में जो भी चर्चा का विषय था, तो खैर उस चर्चा में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि तबलीगी जमात इस्लाम के किस सेक्ट से रिलेटेड है, तो आप इस चीज पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करिएगा कि ये किस क्या है, ये शिया में आते हैं या सुन्नी में आते हैं, तो ये चीज हम लोग हालांकि सेपरेट वीडियो में देखेंगे, तबलीगी जमात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या कुछ है। अगला क्वेश्चन है वर्जिन आइलैंड किसमें है, तो आपको तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया कि ये अटलांटिक ओशियन में है। अगला क्वेश्चन है जियो फेंसिंग, जो हम लोगों ने बात किया था ना कि क्वारंटीन हाउस में है, भाग जा रहे थे, यहां पर मोबाइल फोन की जो भी ट्रैकिंग वगैरह करनी है उस ट्रैकिंग को करने के लिए किस अथॉरिटी से परमिशन किससे लेनी पड़ती है, क्या कोई अथॉरिटी है जिससे परमिशन लेना है तो किस अथॉरिटी से लेना है और किस एक्ट में ये लिखा हुआ है, तो ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट हो सकते हैं ना, जैसे अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमेशा कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है या फिर कंकरेंट लिस्ट में आ रही होती है, ये आपको बताना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है सार्स कोविड के कितने टाइप अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, जैसे आपको छोटा सा हिंट भी दे देता हूं मैं, 2003 में सार्स कोविड 1 फैला था, तो यानी कि ऑलरेडी एक तो है, हमें बताना है मतलब आपको बताना है सार्स कोविड के कितने और टाइप डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हैं, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी जो पीडीएफ है मटेरियल है ये आपको डाउनलोड करने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने इश्यू को रेस कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।